कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार किसानों के हितों के साथ साथ खिलवाड़ कर रही है। मोदी और केजरीवाल सरकार की निष्ठुरता के कारण किसानों की दुर्दशा हो रही है। किसान खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर पड़ा है। लोकतंत्र में अन्नदाता के लिए केंद्र सरकार ने संवाद ही बंद कर दिया है। किसानों, कृषि मजदूर और श्रमिकों के लिए कोई कल्याणकारी और हितकारी नीति नहीं बनाई गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के पूर्व संसदीय सचिव व पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डरों पर तीनों काले कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग को लेकर भारतवर्ष के हजारों की संख्या में किसान 239 दिनों से अपना विरोध जता रहे हैं, परंतु केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितों के प्रति पूर्णतः असंवेदनशील है। 8 महीने से चल रहे आंदोलन में सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी द्वारा किसानों को पूर्ण समर्थन जारी रखने के फैसले से देश की तरक्की में अग्रणी कृषि क्षेत्र को प्रगति मिलेगी और देश के अन्नदाता के हितों की रक्षा करने के लिए अहम कदम है। जबकि केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर किसान नेताओं से वास्तविक संवाद तक करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक जितनी भी बैठकें हुई सब प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर एकमत कृषि कानून वापस नहीं लेने के एजेंडा पर हुई। आपको याद होगा आज हम जब 22 जुलाई 2021 में आज जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं तो आज से 238 दिन पहले एक आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे शुरू हुआ और आज स्थिति ये है कि दिल्ली में दो संसद चलने की बात है। एक संसद जिससे 14 सितंबर 2020 को एक बिल जिसमें इंट्रोड्यूस होता है और सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि ये तीन नए कृषि कानून सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है जिसके लिए वो पहले जून में एक अध्यादेश भी लाए थे और ये जो कृषि कानून हैं वो भारत के किसानों को उन्नति देंगे, खुशहाली देंगे, भारत के किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे और किसान के हितैषी ये बिल हम भारत की संसद में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 22 सितंबर को जब राज्यसभा से ये पास होकर बिल कानून के रूप में आए तो भारत के किसानों ने इन बिलों का विरोध किया। भारत के किसानों ने और किसान यूनियनों ने, किसान संगठनों ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये बिल किसान विरोधी हैं, ये बिल पूंजीपतियों के पक्ष के बिल हैं, ये निश्चित तौर पर किसान को खेती से दूर करने की कोशिश है और पूंजीपतियों को इनडायरेक्ट रूप में खेतों को और उनके खलिहानों की फसलों को सौंपने की साजिश है। उन्होंने इन तीनों किसान कानूनों को, नए कृषि कानूनों को काला बिल कहकर विरोध किया। आज 28 नवंबर से 238 दिन उन हमारे किसानों को जिन्होंने दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पे ये अपना धरना और अनिश्चितकालीन धरने के साथ साथ प्रदर्शन किया, आंदोलनरत हैं वो लोग और आज संसद के उस फैसले के जिसमें विपक्ष को भी कहीं भी उनके साथ कोई रजामंदी इन बिलों को लाने से पहले नहीं बनाई गई, विपक्ष ने भी जिसमें कांग्रेस भी मुख्य विपक्षी दल के रूप में शामिल है इन बिलों का विरोध किया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि इन बिलों में कमियां हैं, इन बिलों को रायशुमारी के लिए रखा जाए, लोगों के बीच किसान और किसानों संगठनों से बातचीत करने के बाद ये बिल लाए जाए, लेकिन सरकार अहंकार में डूबी हुई है। आज उस संसद से निकले हुए इन बिलों के खिलाफ 238 दिन बाद और 6 महीने 22 जनवरी को लास्ट मुलाकात किसानों और सरकारों की बातचीत की हुई थी, लोकतंत्र में पहला ऐसा आंदोलन है
इतने बड़े स्तर का आंदोलन किसानों को, हजारों किसान 28 नवंबर की कपकपाती हार्ड कपकपाती सर्दी में जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, सर्दी झेली, गर्मी झेली, अब बरसात को झेल रहे हैं, और कोविड महामारी के दौरान भी जिन्होंने अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटे। सरकार लगातार ये कोशिश करती रही, सरकार का रवैया इस तरह का रहा कि उपेक्षापूर्ण के किसी तरह ये आंदोलन अलग अलग तरीके से डिफेम हो, कमज़ोर हो, लेकिन किसान अपनी खेती से अलग नहीं हो सकते। किसान और किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा कि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, ये हमारे खेत खलिहान के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, उनके भविष्य का सवाल है, और वो आंदोलन रहे और 160-170 से भी ज़्यादा किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है। हम कहना चाहते हैं इस सरकार से कि ये सरकार किस तरह का पक्षपात कर रही है। हम दिल्ली के विषय में बात करना चाहते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 नवंबर से ये बिल लागू किया और पब्लिक में ऐसा मैसेज दिया कि हम तो किसानों के साथ। ये दो मुही नीति जो है इस सरकार की, आप पार्टी की सरकार की, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। दिल्ली में किसानों के लिए आपने कभी कोई बिजली माफ नहीं की, और आप पंजाब में जाकर फ्री बिजली के, जहां स्टेट में किसानों के लिए फ्री बिजली है, वहां बिजली आप कहते हैं 300 यूनिट कम कर दी। तो आपकी ये जो सोच है ये किसानों के साथ भी जारी रही। आपने किसानों को ये तो कहा कि हम किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपने 23 नवंबर को दिल्ली में वो बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये क्या रास्ता है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि 30, 35, 40 किलोमीटर दूर दिल्ली के तीन बॉर्डरों पर, सिंधु बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, हजारों हजार किसान और किसान नेता बैठे हैं। वो अपनी जायज मांगों के लिए बैठे हैं। क्या लोकतंत्र में ये हो सकता है कि इतनी असंवेदनशील सरकारें हो जाएं, इतनी अहंकारी सरकार हो जाएं, इतनी निष्ठुर सरकार हो जाए कि बातचीत के लिए भी समय नहीं है? आप लंबी लंबी बातें देश भर की करते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आपका कोई वजीर जाकर वहाँ डायलॉग कर सके या उनको वहाँ बुलाकर, जो लोकतंत्र की सबसे ज़रूरी चीज़ है। डेमोक्रेसी में संवाद होना चाहिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग होना चाहिए, आपने तो डायलॉग ही बंद कर दिए 6 महीने से। इतना बड़ा है इनका, और वो भी उस किसान के लिए जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उस किसान के लिए, उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? दोनों ये सरकार, क्योंकि दिल्ली की सरकार भी दो मुही बात कर रही है। उनको वहाँ सड़कों पे आंदोलनरत छोड़ दिया। दिल्ली के लोग अगर हरियाणा जाते हैं, अगर राजस्थान या उससे आगे जाना चाहते हैं बाई रोड, अगर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जाना चाहते हैं, उन्हें भारी उसकी भी परेशानी है। लेकिन आप किसान भाइयों को एक अच्छी जगह, आप क्यों नहीं रामलीला मैदान में उनको आके आंदोलन की अनुमति देते? आपने बॉर्डरों पे हमारे जो लोग जाते आते हैं, जो कारोबार हरियाणा में कहीं आसपास के जिलों में कर रहे हैं, जो यूपी में कर रहे हैं, जो राजस्थान में कर रहे हैं, उनको भी परेशानी है। किसानों को भी बड़ी भयंकर परेशानी है। किसान सड़क पे पड़ा है इतने आपदा में भी, लेकिन आप उसको डिफेम करने के लिए आप सरकार प्रचार चलाती है, लेकिन उनके साथ जाकर डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं। ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं, ये सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है, ये सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, ये सरकार किसानों के लिए हमदर्दी की जगह, किसानों की पीड़ा को, परेशानी को वहाँ समझने की जगह, ये सरकार उनसे खिलवाड़ कर रही है। ये सरकार सोचती है कि हम अहंकार में, हमें जनादेश हो गया, हम तो अभी 2024 में चुनाव में जाएंगे। जैसा पब्लिक डोमेन में चीजें चर्चा आती, हम ये कहना चाहते हैं कि किसान के खेत खलिहान से इस देश की तरक्की का रास्ता निकलता है।